खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मैं सिर्फ 21 साल का था जब मुझे फैक्ट्री से भगा दिया गया। मुझे इतना भी पढ़ना लिखना नहीं आता था कि फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर का काम मिल जाए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जवानी में मेरे अंदर ये प्रश्न प्रकट हुआ कि क्यों कुछ लोग भारी कमियों के बावजूद सफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इस एक सवाल ने मेरा जीवन बदल दिया। 20 साल बाद मैंने 65 कार डीलरशिप्स खोली और उस समय 200 करोड़ का व्यापार किया। उसके बाद रियल एस्टेट में काम किया। एक समय मैं 8 कंपनियों का मालिक था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि पैसे की किल्लत के कारण मुझे जल्दी ही स्कूल छोड़ना पड़ा। मेरे पास ना कोई स्किल थी ना कोई टेक्निकल नॉलेज। मैं फैक्ट्री में काम मांगने गया तो मुझे बोला, अरे अनपढ़, तू मशीन चलाने लायक भी नहीं है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मेरा कोई भविष्य नहीं था। मैंने कई सालों तक मजदूरी की, फिर होटल्स और फैक्ट्रीज में काम किया। जैसे जैसे मैंने दुनिया देखी, मैं खुद से पूछने लगा कि दुनिया में कुछ लोग दूसरों से सफल क्यों हैं। इस सवाल ने मुझे सोने नहीं दिया। सफलता और उपलब्धि पर मैंने कई 100 किताबें और आर्टिकल्स पढ़े। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मुझे समझ आने लगा कि सफलता के सिद्धांतों पर पिछले 2000 सालों से चर्चा हो रही है। सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोगों को ये राज कभी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वे सफलता चाहते ही नहीं। इन सिद्धांतों में से एक खास है, सेल्फ डिसिप्लिन, जिस पर हर देश और काल के दार्शनिक, शिक्षक और विशेषज्ञ सहमत हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है बहानों के आकर्षण से बचना। लगातार सफल होने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन के दो बड़े दुश्मन हैं। पहला शॉर्टकट यानी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सीखने की जगह बेहतर करने की जगह हर स्थिति में शॉर्टकट का प्रयोग करना, कष्ट से भागना। और शॉर्टकट का बिगड़ा हुआ रूप है एक्सपीडियंसी फैक्टर, यानी कुछ भी करके रिजल्ट हासिल करना, चाहे उसके लिए चोरी, धोखाधड़ी, कुछ भी करना पड़े। जो लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करने लगते हैं, करियर में आगे जाके उन्हें बेईमानी करने में हिचक नहीं होती। तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आप अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन कैसे पैदा करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, लगातार खुद से ज्यादा की उम्मीद करो। संघर्ष में टिके रहने की उम्मीद करो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि पूरी जिंदगी मैं हर रात 1 घंटा और हर सुबह 1 घंटे पढ़ता। हर हफ्ते के अंत में पूछता कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद से बेहतर होने की उम्मीद थी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मैंने पहले सेल्स में महारत हासिल की, काम करने के साथ पढ़ाई जारी रखी और 35 साल की उम्र में MBA किया। इसके बाद मैंने कनाडा में कार इंपोर्ट करना शुरू किया, देश में 65 डीलरशिप्स बनाई और आज से 50 साल पहले 200 करोड़ की गाड़ियां बेची। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कार इंडस्ट्री के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन और दृढ़ निश्चय था, जिसकी मदद से मुझे जो भी सीखने की जरूरत पड़ती मैं वो सीखता जाता। फिर मैंने रियल एस्टेट में जाने का फैसला किया। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। मैंने कई 100 घंटे खर्च किए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझने में कई एक्सपर्ट से बात की। इसके बाद मैंने कई शॉपिंग सेंटर्स, पार्क्स, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स बनाकर बिजनेस को पूरे देश में फैलाया। लोग मेरी सफलता को देखकर सोचते थे कि मैं बहुत लकी हूँ। वे सही थे। मुझे जीवन में बहुत जल्दी ही सेल्फ डिसिप्लिन की कीमत समझ आ गई। अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन उतारने का दूसरा तरीका है स्टडी वेरी क्लोजली। लॉ ऑफ कंसंट्रेशन कहता है कि जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो, जिस चीज को आप बहुत नजदीकी से महसूस करते हो, वो आपके जीवन में आगे बढ़ने लगती है। आपको क्या करना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर हर दिन 15 मिनट पढ़िए। उन लोगों की कहानी और रिसर्च जानिए, उन्हें नजदीकी से समझिए जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन को पूरी तरह जिया है। इसके लिए आप ये 3 किताबों से शुरू कर सकते हो। पहली साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, दूसरी प्रैक्टिसिंग माइंड, तीसरी डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। तीनों किताबों की अफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हर दिन इस बारे में पढ़ने से धीरे धीरे ये वैल्यूज हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होती हैं, और जैसी आपकी वैल्यूज हैं वैसा ही आप बर्ताव करने लगते हैं। अगला बहुत जरूरी प्रिंसिपल, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट ने डिसिप्लिन ऑफ गोल राइटिंग पर बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई। ये प्रिंसिपल बहुत ताकतवर है। 35 साल की उम्र में स्टूडेंट कार सेल्समैन था, करियर में अटका हुआ था, वो कमीशन पर काम कर रहा था, उसे सैलरी भी नहीं मिलती थी। फिर सेल्फ डिसिप्लिन पर क्लास अटेंड करने के बाद स्टूडेंट अपने अंदर छोटा सा बदलाव लाया। वो हर दिन डेली गोल्स लिखने लगा।
एक हफ्ता अच्छा गया तो उसने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखना शुरू कर दिया। हर दिन लॉन्ग टर्म गोल लिखता कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स डायरेक्टर हूँ। धीरे धीरे इस गोल के साथ वो प्लान के 3 स्टेप्स भी लिखने लगा। धीरे धीरे प्लान्स के स्टेप्स पर काम करने लगा। हर दिन लॉन्ग टर्म गोल और प्लान लिखता और हर दिन एक स्टेप पर काम करता। 11 साल बाद स्टूडेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में पार्टनर था। वो कहता है कि 35 साल की उम्र में ना मेरे पास ऐसा मेंटल स्टेट था, ना अनुभव था, ना इंडस्ट्री की जानकारी कि मैं सोच भी सकूं कि मैं एक दिन किसी कंपनी में पार्टनर बन जाऊंगा। लेकिन हर दिन अपने हाथों से डायरी में लॉन्ग टर्म गोल और प्लान लिखने से मेरे अंतर्मन ने उस गोल को स्वीकार कर लिया और मैंने अपने आप हर वो काम किया जो मुझे गोल पूरा करने के लिए चाहिए था। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि ये है सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। जब आप हर दिन लगातार अपने गोल के बारे में सोचते हो, उसे पेपर पर लिखते हो, तो आप उस गोल के लिए ज्यादा से ज्यादा मेंटल रिसोर्सेज एक जगह केंद्रित करने लगते हो और जैसे ही ये होता है वैसे ही आप गोल की तरफ पूरी गति से आगे बढ़ने लगते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करने के लिए काम करो, एक स्पाइरल नोटबुक लेकर आओ। हर दिन सुबह काम शुरू करने से पहले, दौड़ भाग शुरू करने से पहले जीवन के सबसे प्रमुख गोल्स प्रेजेंट टेंस में लिखो। लिखते समय ये बिल्कुल मत देखो कि कल क्या लिखा था। साथ में हर दिन खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सच में ये गोल्स पूरे करना चाहता हूँ? जो सच में करना चाहते हो लिखो। ऐसा बार बार लिखने से आपकी बुद्धि ट्रेन होती है जो आपके मन को दिशा देती है। बुद्धि के ट्रेन होने से आपको लगातार गोल पूरा करने के अवसर दिखने लगते हैं। आप लगातार उस बारे में सोचते रहते हैं। हर दिन हर काम लक्ष्य की यात्रा का हिस्सा बन जाता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है। आखिरी प्रिंसिपल है क्राउडिंग आउट प्रिंसिपल। जब आप हर दिन हाई वैल्यू वाले टास्क करेंगे तो अपने आप लो वैल्यू टास्क के लिए समय नहीं बचता। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मैंने 40 वर्षों में अध्ययन से देखा है कि सफल व्यक्ति हर समय हाई वैल्यू कार्यों पर काम करते हैं और असफल व्यक्ति लो वैल्यू वाले काम करके कीमती समय बर्बाद करते हैं। समरी, क्यों कुछ लोग भारी कमियों के बावजूद सफल होते हैं? एक खास सिद्धांत है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी बहानों के आकर्षण से बचना। सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने के 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, लगातार खुद से ज्यादा की उम्मीद करो। जो भी कुछ नया या कठिन काम करो, खुद से संघर्ष में टिके रहने की उम्मीद करो। दूसरा प्रिंसिपल, स्टडी वेरी क्लोजली। लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, जिस बारे में आप बार बार सोचते हो वो वैल्यू आपके जीवन में बढ़ने लगती है। हर दिन 15 मिनट के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को स्टडी कीजिए। तीसरा प्रिंसिपल, डिसिप्लिन ऑफ गोल राइटिंग। हर दिन काम शुरू करने से पहले जीवन के सबसे प्रमुख गोल्स प्रेजेंट टेंस में लिखो। लिखते समय ये बिल्कुल मत सोचो कि कल क्या लिखा था। साथ में हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सच में ये गोल्स पूरे करना चाहता हूँ? जो सच में करना चाहते हो वो लिखो। कुछ भी हो ऐसा हर दिन करो। ऐसा बार बार करने से सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। चौथा प्रिंसिपल, क्राउडिंग आउट प्रिंसिपल। हाई वैल्यू टास्क पर काम करने के 2 फायदे हैं। पहला, आपका काम होता है। दूसरा, लो वैल्यू टास्क के लिए समय नहीं बचता। दोस्तों, डर और चिंता असल में सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन है। जो चीजें आप करना चाहते हो वो आपके अंतर मन में बैठे हुए बिलीफ सिस्टम से मेल नहीं खा रही। डर और चिंता को मिटाने के लिए और भारी एक्शन लेने के लिए सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर अगला वीडियो देखिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।